हाय फ्रेंड्स, हेल्दी कुकिंग विद अनीता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लाल मिर्च का अचार बना के दिखाऊंगी और ये इतना इजी होता है कि सब लोग बड़ा घबराते हैं कि लाल मिर्च का अचार घर में कैसे बनता है। और ये इतनी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे एक बार आप अगर इसका पिकल बना लोगे तो ये कभी कभी आलू का जो चोखा या भरता होता है उसमें भी हम डालते हैं, जो बैंगन का भरता होता है उसमें भी डालते हैं। तो आप अभी जो ये सीज़न है लाल मिर्च का, इसमें आप अपने घर में भी आराम से बनाओ और इसको प्रिजर्व, ये एक साल तक आप इसको प्रिजर्व करके रख सकते हो। तो लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम, दो तरह से मैं आपको लाल मिर्च का अचार बना के दिखाऊंगी। तो मैंने 250 ग्राम दो जगह कर लिया है, तो टोटल मैंने हाफ के जी लाल मिर्च लिया है। और इसका मसाला मैं आपको पहले सारा बता देती हूँ कि इसके लिए क्या क्या मसाले की हमें ज़रूरत होती है, तो आपको बड़ा इजी होगा बनाना। अब इसके लिए मैंने ये राई लिया है, इसको मैंने पीस लिया है। तो ये ऐसा राई, मोटा राई होता है, आपको इसको मिक्सी में ग्राइंड करना है। तो 75 ग्राम मेरा ये पीसा हुआ राई है, 75 ग्राम मेरा अमचूर पाउडर है और 75 ग्राम मैंने सॉल्ट लिया है। इसका मेजरमेंट आप बड़े अच्छे से लिख लेना। और ये हल्दी लिया हुआ है, तो 1/4 टीस्पून मैं हल्दी डालूंगी। ये मैंने जीरा लिया है, ये 40 ग्राम्स जीरा है। ये मोटा सौंफ है, ये भी मैंने 40 ग्राम्स लिया है। ये अजवाइन है, ये मैंने 15 ग्राम्स लिया है। ये मेथी है, ये 8 ग्राम्स है। और ये कलौंजी है, ये 8 ग्राम्स है। और इसमें मैंने हींग लिया है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, इसका मसाला तैयार करती हूँ। एक पैन को मैंने गर्म कर लिया है, तो सबसे पहले मैं ये सौंफ डाल रही हूँ। सबको हमें थोड़ा ड्राई रोस्ट करना है। अब इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ, इसको आपको 2 मिनट तक ही भूनना है, इसको ओवर कुक नहीं करना है। अब इसमें मैं मेथी डाल रही हूँ, ये अजवाइन डाल रही हूँ। जब इसमें से थोड़ी खुशबू आने लग गई तब आप समझ लेना कि ये हमारा रोस्ट हो गया है। तो अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और एक मिक्सी में हमें इसको दरदरा पीसना है। अब ये मसाला को मैं सारे मसालों को मिक्स करके एक जैसा बना ले रही हूँ। तो और आपको जो बाकी मसाला है उसको भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। तो ये राई पाउडर है, मैं वो डाल रही हूँ। ये अमचूर पाउडर है, वो डाल रही हूँ। इसको लो मीडियम टेम्परेचर में आपको एक बार मिक्स करना है। उससे क्या होगा कि जो भी मॉइस्चर होगा मसाला का वो निकल जाएगा। और लास्ट में मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। अब ये सारा मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। लास्ट में मैं इसमें 1/4 टीस्पून हींग डाल रही हूँ। अब ये लाल मिर्च मैंने दो जगह कर लिया, 250 ग्राम मेरा प्लेट में है और 250 ग्राम मैंने ये भरने के लिए लिया है। तो जो अच्छे पीस हों उसको आप भरने के लिए ले लेना। तो काटने का स्टाइल मैं आपको बता देती हूँ कि आपको थोड़ा सा इस तरह से इसको चॉप कटिंग करना है। अब ये सारे लाल मिर्च को मैंने काट लिया है। अब एक कढ़ाई को मैंने चढ़ा लिया है और इसमें 1/2 कप मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। जब धुआं निकलने लग जाए तो आप गैस बंद कर दें। अब इसमें मैं 1/4 टीस्पून हींग डाल रही हूँ और ये सारा लाल मिर्च इसमें डाल रही हूँ। और इसका गैस ऑन करके आपको मीडियम टेम्परेचर में 2 मिनट इसको भूनना है। अब ये कुक करते हुए मुझे 5 मिनट्स हो गया है और आप देखो कि ये थोड़ा थोड़ा गल गया है। अब मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ। और इसका गैस भी बंद करके बस हमें इसे मिक्स करना है। अब ये अचार मेरा तैयार हो गया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपको किसी शीशे के बर्तन में रख के और इसको फ्रिज में रखना है, क्योंकि ये अचार ऐसा होता है कि ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। लेकिन अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ये 6 मंथ्स तक भी ख़राब नहीं होगा और आप इसको रोटी या चावल किसी के साथ बड़े मज़े से खा सकते हैं।
अब मैं इसका भर के लाल मिर्च का अचार बनाऊंगी। तो इसका दो तरीके से, लोग इसको काट के भी बनाते हैं, लेकिन मैं अपने मम्मी का स्टाइल का आपको बता रही हूँ। मेरी मदर बड़ा अच्छा लाल मिर्च का बनाती थी अचार, और उनका अचार बड़ा फेमस होता था। तो आप ये देखो इसका स्टेप, बड़ा ध्यान से देखना कि इसको मैं कैसे बनाती हूँ। तो इसके अंदर का जितना बीज है इसको आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको कोई भी पॉइंटेड चीज़, या तो आप पेन ले लो या कोई भी पॉइंटेड चीज़ लेके इसको थोड़ा प्रेस कर कर के आपको इसके अंदर का सारा गूदा निकालना है। अब इसके अंदर का मैंने सारा बीज निकाल दिया है। ऐसे एक एक करके मैं सारे अपने लाल मिर्च का बीज निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको इसका स्टफिंग करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको ये मसाला थोड़ा सा डालना है, और आप या तो पेन से या आपके पास कोई भी ऐसे पॉइंटेड सा हो, लेकिन इधर जैसा ऐसा पॉइंटेड से नहीं भरना है क्योंकि इसमें छेद हो जाएगा। तो आपको बैक पोर्शन से लेके इसको मसाला को आपको दबाते रहना है। तो आप पहले थोड़ा मसाला डाल के इसको अच्छे से प्रेस कर ले, क्योंकि इसमें मसाला बड़े अच्छे से प्रेस होना ज़रूरी है। तो आप थोड़ा थोड़ा मसाला डालते जाएँ और इसको प्रेस करते जाएँ। ये वाला अचार बनारस का बड़ा फेमस होता है, वहाँ पे ये अचार बहुत मिलता है। और मैंने आपको अपनी मम्मी का रेसिपी बताया है, तो मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि आज मैं अपनी मम्मी का रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको मसाला भरने में इसमें कंजूसी नहीं करना है, और अच्छे से प्रेस करेंगे उतना ही अच्छे से ये अचार बनेगा। और नीचे से भी देख लें कि ये बिल्कुल टाइट होना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा मसाला डालते जाएं और इसको टाइट करते जाएं। नीचे से भी आप टच करोगे तो ये बिल्कुल टाइट हो जाता है। अब ये सारा लाल मिर्च मैंने भर दिया है, अब इसमें आपको मस्टर्ड ऑयल डालना है। तो उसके लिए पहले मस्टर्ड ऑयल मैं गर्म कर लूँगी, और उसको ठंडा करके फिर आपको ये जो भी बर्तन में जिस कंटेनर में रखना है उसमें सारा डाल के और उसके लेवल तक आपको तेल भरना है। मतलब आपको ये लाल मिर्च ऊपर से दिखना नहीं चाहिए, तेल में ये डिप होगा। और ये भी जब आप किसी बर्तन में डालेंगे तो ऊपर से आपको थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और डालना है। तो अभी मैं इसमें तेल गर्म करके फिर इसको किसी बर्तन में रख के और ऊपर तक भर के आपको दिखाती हूँ। अब आपको तेल में अचार को थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, जिससे तेल अंदर तक चला जाए। अब जिस कंटेनर में डालोगे तो आप एक दिन इसको धूप दिखा देना, और उसके बाद फिर आप इसको अंदर रख लेना। जब ये गल जाएगा तब ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको लास्ट में मैं एक टिप्स देना चाहती हूँ, जो ये हरी मिर्च अभी मार्केट में मिल रहे हैं, आप ये मसाला को भी इसमें भर सकते हो। तो इसको आपको सब मिर्च को बीच से चीरा लगाना है, इसमें आपको ऊपर से स्टफिंग नहीं करना है। और इसका मसाला भी बहुत ज़्यादा अंदर तक वैसे नहीं भरना है जैसे लाल मिर्च का मसाला मैंने बनाया है। इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला भर के और फिर इसमें थोड़ा सा लेमन डाल देंगे, और इसको थोड़ा धूप हमें दिखाना है। तो आप मुझे बताना कि आपने इन तीनों में से क्या बनाया, और मुझे फीडबैक में लिखना कि आपका ये वो डिश कैसा बना। तो अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।